बाबा महाकाल की नगरी में नवरात्रि की अष्टमी के दिन माता 24 खंभा को मदिरा की धार लगती है, जिसमें कलेक्टर खुद यह परंपरा निभाते हैं। यह परंपरा कब से चली आई है, आइए उनसे जानते हैं। राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही परंपरा, जिसमें महाकाल वन के प्रवेश द्वार पर 24 खंभा माता मंदिर पर प्रतिवर्ष आज अष्टमी नवमी के दिन ये अनुष्ठान होता है। आज उसका निर्वहन किया गया है और आज पूरे नगर में ये पूरा यात्रा जाएगी और सभी के लिए अष्टमी पर मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं दी जाएंगी। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य काल से चली आ रही पूजा है ना, जो राजा विक्रमादित्य करते थे। अब यहाँ पर राजा विक्रमादित्य तो रहे ना, तो यहाँ पर शहर का राजा कौन था, कलेक्टर। तो कलेक्टर के हाथों ये पूजा होती है। यहाँ पर सारा पकवान रात को ही बनता रहता है और यहाँ पर सुबह आके कलेक्टर साहब पूजा करते हैं और यहाँ धार चढ़ाते हैं। यहाँ मदिरा का भोग लगता है, उसके बाद यहाँ भोग लगने के बाद सारी धार की धार चढ़ती सब नगर कोट काल भैरव ये इधर वगैरह सारी हांडी फोड़ भैरव पर ख़त्म हो जाती है। पूजा इसलिए की जाती है कि शहर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसीलिए नगर पूजा होती है। ये 24 खंभा मंदिर महामाया महालाया, ये अंदर क्या 24 खंभे होने के नाते इसी प्रकार 24 खंभे वाली माता कहते हैं। देवी तो दोनों भारी विराजित है, महामाया महालाया। इस बार पुजारी व श्रद्धालुओं में कुछ विरोध भी देखने को मिला, आइए जानते हैं उनसे किस चीज का विरोध है। आपके एक बात ये है कि जो पूजा आज हुई वो आज जल्दबाजी में हो गई पूजा, नहीं तो रोज 7-8 बजे होती हर साल। माता जी का भोग जो है घंटाल के नीचे रखाता है, फिर यहाँ से सब एक के भोग लगते हैं, मैया के चरणों में देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से भोग चालू होकर ना पूजा समापन होती है। आज भोग नहीं लग पाया माता? हाँ, आज सही साथ भोग नहीं लग पाया मैया को, मतलब जो विधि विधान से पूजा, हाँ वो ही नहीं हुई। आज जल्दी आ गया कलेक्टर साहब, उसने जल्दी पूजा कर दी। आप लोगों ने दिया होगा ना समय, वो सरकारी लोग इनके सब कर्मचारी उन्होंने इन लोगों ने मतलब बोला। हमने आज ऑब्जेक्शन उठाया कि आज जो है राजा साहब ने बहुत जल्दी कर दी, लोगों को परेशानी भी आई, सामान देने में तकलीफ आई लोगों को। हाँ, जो हर साल आते थे वो जो अब आ रहे थे कि क्या हुआ पूजा हो गई। गलत तरीके से पूजा होती तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। होएगा ना, मैया करेगी वो तो, ये कि मैया किसी को बुरा तो नहीं चाहेगी, बाकी ये है कि हाँ परंपरा है। ये हुआ कि शुरू से कलेक्टर साहब ना के पूजा करते, 8 बजे की बात थी कि 8 बजे आए, पहले आगे ना तो ढोल आए ना बैंड आए कोई, मतलब परंपरा तोड़ दी हमने पंडित पुजारी की। उनको कहना चाहिए ना तो जनता ही नहीं तो बहुत आते हैं ना बेचारे, अब आए गए तो क्या करेंगे क्या देखेंगे, कि ये जल्दी क्यों आ गए, 8 बजे की बात थी कि 8 बजे आएंगे, हम तो जनता कोई आई नहीं। और जिंदगी परंपरा हो गई हमारे बाप दादा की टाइम पे कि 8 बजे उनने क्या, तो ये क्या है, ये ढोल बैंड कुछ भी नहीं, और खुद ही चले गए ऐसे कि कोई